कार्य किया। चलते चलते कहाँ चले आए और मित्र जी ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतना सुंदर ये राजमहल देख रहा हूँ, इतना सुंदर ये राजमहल किसका है? मेरा है दोस्त। और आपका है? हाँ। दोस्त मत बोलो, दोस्त बहुत बुरा चीज है। सबसे प्रिय भाषा है मित्र, मित्र बोलो, दोस्त नहीं बोलना है तो दोस्त बोलो। दोस्त किसी को दोस्त लगता है, ठीक ना? मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, आपका मैं प्रिय मित्र हूँ। अरे मित्र से तो प्यार से बातें करना चाहिए, मित्र से बढ़कर और कोई प्यार है? भाई इतना सुंदर राजमहल है, मैं पहली बार देख रहा हूँ, जंगल से आया हूँ, बिल्कुल मंदिर समान लग रहा है, परंतु मित्र जी हेलो, उच्च सिंहासन पर जो बैठे हैं कौन है? वो मेरा पिताश्री है। अरे वाह, आपके पिताश्री है, आपकी पिताश्री कितने सुंदर लग रहे हैं, बड़े भक्तशाली हैं आप। भगवान और आपके पिता में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल भगवान विष्णु के समान लग रहे हैं। अरे ऐसे महान पिता के चरणों में हम दोनों मित्र को झुककर नमन कर लेना चाहिए, क्यों नहीं मित्र? चलिए मित्र जी प्रणाम कीजिए। आहा, प्रणाम पिताश्री। खुशी रहो, खुशी रहो, खुशी रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरा प्रणाम स्वीकार हो महाराज। खुश रहो, खुश रहो बालक। हे भगवान, इतना छोटा सा बालक और इतना आज भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर रहा है, ऐसा लगता है कोई भगवान का भक्त है ये। बेटा उत्तम। हाँ पिताश्री। तुम्हारे साथ ये बालक कौन है बेटा? मेरा मित्र है। तुम्हारा मित्र है? अरे तू तो गया था जंगल में शिकार करने के लिए, तो फिर ये दोस्ती तूने कहाँ लगा लिया? पिताश्री जंगल में गया था शिकार खेलने के लिए। हाँ। अचानक मेरे बॉन ने काम नहीं किया, एक में एक मेरे पर एक मेरे पर से टूट पड़ा। ओ, एक जानवर के ऊपर बाण चलाया, तुम्हारा बाण काम नहीं किया, निशाना चूक गया और वो जानवर तुझे पकड़ लिया, खाने के लिए चाहा, तुझे मारने के लिए चाहा, तुम चिल्लाने लगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो ये बालक आकर के तुम्हारे प्राण को बचाया, उसके बदले तूने उससे दोस्ती कर लिया। हाँ पिताश्री। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया बेटा। हर रिश्ता से बढ़कर के दोस्ती का रिश्ता को माना गया है, दोस्ती का रिश्ता सब रिश्ता से ऊंचा रिश्ता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी सुदामा जी के साथ में दोस्ती किए थे, आज तक उसका नाम इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा गया था। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का मिसाल, ठीक उसी प्रकार से तुम दोनों भी अपनी दोस्ती को बरकरार रखना, ताकि तुम दोनों का भी नाम इतिहासों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ लिखा जाए। तुम दोनों की दोस्ती का मिसाल, आज कई रोज से तुम जंगल चला गया था शिकार करने के लिए, मेरा गोद सूना पड़ा था, तुम दोनों मित्र मिल करके आओ और मेरे गोद में आके बैठ जाओ। आओ बेटा, आओ मेरे गोद में बैठ जाओ महाराज। हाँ बालक, आप अपनी गोद में मुझे बैठाना चाहते हैं? हाँ। नहीं नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ, आप इतने बड़े महान राजा हैं, आपके शरीर में तो राजशाही पोशाक पीतांबरी पहने हैं और मेरे शरीर में तो धूल और मिट्टी लगे हुए हैं, मेरे शरीर कितने गंदे हैं, और वैसे भी राजा महाराजाओं की गोद में कोई भिखारी शोभा नहीं दे सकता, अगर मैं आपकी गोद में बैठूंगा ये सारे पीतांबरी गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं जमीन पर बैठ जाता हूँ, आप अपने पुत्र उत्तम कुमार को गोद में बैठा लीजिए। नहीं बालक, रुक जाओ। नहीं बालक, इस तरह से तुम जो सोच रहा है ऐसी भावना मेरे मन में नहीं है। ऐसी जो तुम्हारे बदन में मिट्टी और धूल लगी है, मेरे बदन में राजशाही लिबास है, तू
तू अगर मेरे गोद में बैठ जाएगा तो मेरा गोद गंदा हो जाएगा, ऐसी भावना मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में तो ऐसी भावना है जैसे मेरा बेटा उत्तम है वैसे तू भी मेरे बेटे के सम्मान है। आओ हर बात को भूल के आओ मेरे गोद में आकर के बैठ जाओ। हे भगवान अब मैं क्या करूं, परंतु महाराज जीवन में इस भिखारी को आप जैसे महान राजा ही पुत्र कहकर बुलाए हैं, यन्था समाज के लोग तो मुझे भिखारी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मैं एक निर्धन मैं गरीब हूँ, सुबह खाता हूँ तो शाम के लिए सोचता हूँ। अरे बैठिए जे अजय है तपेटा, ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी के गोदिया रे बैठने बच्चे को नीचे धक्के मार के गिरा दिया। क्यों मारोगे तो क्या करोगी, आप ही बताइए ये बच्चा कौन है, जब अपना उत्तम कुमार है ही माल में तो ये गैर लड़का आप क्यों अपने गोद में बैठाए हैं। महारानी वो लड़का अपने बेटा उत्तम का दोस्त है। महारानी क्या अपने बेटा उत्तम का दोस्त है? सानी जी जब अपना उत्तम कुमार इस महल में था तो उत्तम का कोई दोस्त नहीं था, आज पहली बार गए हैं जंगल शिकार खेलने के लिए तो कैसे इसका दोस्त हो गया मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताता हूँ ये दोस्त कैसे हुआ उत्तम का। कैसे? उत्तम जंगल गया शिकार करने के लिए, शिकार कर रहा था, एक जानवर के ऊपर बाण चलाया, इसका बाण निशाना काम नहीं किया, जानवर इसको पकड़ लिया था, जकर लिया था, नोच नोच करके खाने के लिए चाहा, लेकिन अपना बेटा उत्तम चिल्लाने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो ये बालक उसी जंगल में था, अपना बेटा की आवाज सुन करके आया और अपने बेटा को जानवर से बचाया, उसके बदले में बेटा उत्तम उससे दोस्ती कर लिया। तो क्या बुरा क्या महारानी? स्वामी जी आपको ये बात पहले बोलना चाहिए कि ये दोस्त है उत्तम का। अरे तू बोलने की मौका देगी तब तो मैं बोलूंगा। स्वामी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तू पहले गलती कर बैठती है उसके बाद पछतावा करती है। अगर मैं जानती कि उत्तम का दोस्त है तो मैं फूलों की भिखारी नहीं मारती उनके दोस्त को, मैं जाने अनजाने में उसको मार दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मुझसे नहीं तो क्षमा मांगो उस बच्चे से जिसके साथ तूने गलती किया है। और बालक ये राज रानी है, राज माता कहलाती है, अगर इनसे कुछ भूल भी हुआ है कुछ गलती भी ये कर दी है तो इस गलती को भूल जाओ और इन्हें माफ कर दो क्षमा कर दो। स्वामी जी मैं इस बच्चे को इतना प्यार दूंगी आदर दूंगी ये पहले वाले बात हर भूल जाएंगे सभी। जो नहीं आप यहाँ से जाइए महल, मैं उत्तम के मित्र से बातचीत करती हूँ, आप जाइए यहाँ से। सही है महारानी, मुझे मालूम है कि तुम जो कह रही हो तुम वाकई में इस बच्चे को मान सम्मान करोगी,
इसे इतना आदर सम्मान करोगी कि ये तुम्हारे गलती को किए हुए गलती को भूल जाएगा।